बहू तो उस आम को लेकर उस जंगल में जाकर खाती है तो वह एक और बेटी को जन्म देती है। वह उसे दूध पिलाकर अवंतिका नाम देकर चिड़ियाओं को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर घर वापस आती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसके बहू ने एक नहीं तीन तीन बेटियों को खा लिया है। वह मनुष्य नहीं खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते यह बात पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और उसके कान तक आ जाती है। बात सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर गांव में होता है क्या कि खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा को कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी तीन पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने अपनी बेटियां खा ली हैं। वह तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। महाराजा, प्रधान, सरदार और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबरा कर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। पहुंचा तो वह देखता क्या है कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठा हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाए जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। कहता है, महाराज दया करें, महाराज मुझ पर दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाना रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बात बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठ बताती है कि उसकी पत्नी ने तीनों बेटियां खा ली हैं। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है लेकिन कोई भी उसकी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देखिए। वह एक गीत गुनगुनाती है, अपनी बेटियों का नाम लेकर उन्हें गीत में पुकारती है। जिस पेड़ पर उनकी बेटियां थीं वहां की चिड़ियाएं उनकी बेटियों को लेकर उस चौराहे पर पहुंचती हैं
बहू का गाना खत्म होने की देर थी, तीनों बच्चियां दौड़कर आ जाती हैं और माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है, सारे लोग भी सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है? राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कपकपी छूट जाती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनवाई थी, उस पर बुढ़िया को ही चढ़ाता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहां रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार दो चार दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वह बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।